खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां थाना पिलुआ पुलिस तथा इंटेलिजेंट विंग और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के बाद लूट व डकैती की योजना बनाते हुए ट्रांसफार्मर तथा विद्युत लाइन चोरी करने वाले अंतरजनपदी का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, इस मुठभेड़ के बाद 6-7 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं इनके 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। इन सभी बदमाशों को सुन्ना नहर के पास बने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की दीवार के पास से लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 5 अवैध तमंचे, 10 जिंदा एवं 4 खोखा कारतूस, लूटे हुए मोबाइल फोन, विद्युत तार, PVR के साथ ही ट्रांसफार्मर के तार व ग्राइंडर तथा पेचकस आदि सामान बरामद किया गया है। बीती रात्रि फिलुआ क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5 अवैध असलहे तथा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी व तार चोरी के अपराध मुख्यतः कारित किए जाते हैं, जो इनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। दिनांक 17 मई को पिलुआ ही क्षेत्र में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में इनके द्वारा डकैती डाली गई थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के राइफल लूटी गई थी। राइफल बाद में बरामद हो गई। उस घटना में लूटे गए सामान पुलिस के द्वारा DVR मोबाइल फोन वो भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।